वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार का गठन राज्य में हो गया है। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जहाँ अगले साल 2021 में चुनाव होने वाले हैं, इनमें बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस और बीजेपी की एक एक राज्य में सरकार है, जबकि बंगाल में टीएमसी तो केरल में लेफ्ट दल काबिज हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य में किस सियासी पार्टी की साख दांव पर लगी है। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। यहाँ पिछले 10 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 221 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर जीत मिल सकी थी। वहीं अन्य दलों ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर असम में अगले साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की सत्ता पर पिछले 5 साल से एनडीए का कब्जा और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। यहां 2016 के चुनाव में बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने असम की 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर कब्जा किया था। इसके साथ ही केरल में अगले साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ का कब्जा है। यहां 2016 के चुनाव में एलडीएफ ने 91 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 सीटें मिली थी। इसके अलावा 2 सीटें अन्य को मिली थी। वहीं तमिलनाडु में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की सत्ता पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का 10 सालों से कब्जा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 136 सीटें जीती थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल डीएमके को 89 सीटें मिली थी। इसके अलावा बाकी 11 सीटें अन्यों के खाते में गई थी। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में अगले साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है। पुडुचेरी के 2016 चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। वहीं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीत हासिल की थी। अन्य के खाते में 60 सीटें गई थी। तो ये थे वो राज्य जहाँ चुनाव को लेकर सियासत अभी से काफी तेज हो गई है, साथ ही राजनीतिक दल भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।